आज हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल के बारे में। लेकिन इस मेडल के बारे में जानकारी लेते हैं उससे पहले मैं आपके साथ कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूं, जैसे कि 15 अगस्त 1947 ही क्यों चुना गया और रात के 12 बजे का वक्त क्यों निर्धारित किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। 1940 से स्वतंत्र भारत की मुहिम शुरू हो गई थी। महात्मा गांधी जी लोगों को जगाते जा रहे थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी को बढ़ाते जा रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया था और ब्रिटेन में जो इलेक्शंस हुए थे 1945 के जनरल इलेक्शंस, उसमें लेबर पार्टी की जीत हो गई थी। लेबर पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया था कि वो जीतने पर इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में मदद करेंगे। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने 20 फेब 1947 को ये ऐलान कर दिया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस जून 1948 के पहले दी जाएगी। लॉर्ड वावेल ने इनिशियल बातें शुरुआत की इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए इंडियन लीडर्स के साथ, लेकिन बात कुछ आगे ज़्यादा बढ़ी नहीं और लॉर्ड माउंटबेटन को 1947 फेब के महीने में लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन जैसे ही वाइसराय बने तुरंत उन्होंने नेहरू और जिना से बातचीत शुरू कर दी, लेकिन दंगों की शुरुआत हुई क्योंकि जिना एक अलग राज्य चाहते थे। माउंटबेटन ने कभी सोचा नहीं था कि परिस्थिति इतनी बिगड़ जाएगी और उन्होंने पहले निर्धारित किया हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस का जो डेट था उसे कम करके 1948 से 47 कर दिया। माउंटबेटन ने पर्सनली 15 अगस्त का डेट डिसाइड किया था, जो कि उनके लिए लकी डेट था क्योंकि 15 अगस्त 1945 में जापानीज आर्मी ने उनके सामने सरेंडर किया था जब वो अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। इंडियन इंडिपेंडेंस का डेट 15 अगस्त 1947 निर्धारित हो चुका था, पर यह डेट हिंदू ज्योतिषियों के हिसाब से दुर्भाग्य और दोषी माना जा रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन को बहुत सारे डेट सजेस्ट किए गए थे पर वो 15 अगस्त के डेट पर ही डटे रहे क्योंकि ये उनका लकी डेट था। ज्योतिषियों के हिसाब से 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच का समय तय किया गया क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिन की शुरुआत रात को 12 बजे होती है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दिन की शुरुआत सुबह सूर्योदय से होती है। ट्रांसफर ऑफ पावर अभिजीत मुहूर्त पर ही हो ऐसे ज्योतिषियों ने कहा। इसका समय 14 अगस्त की रात 11:51 PM से लेके 15 अगस्त 12:39 AM तक 48 मिनट्स का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से रात को 12 बजे तक भाषण पूरा करे कहा गया था। 12 बजे के बाद शंखनाद हुआ और ट्रांसफर ऑफ पावर मिलने के बाद नए भारत का जन्म हुआ। दोस्तों, ये हमारा 15 अगस्त 1947 का इंडिपेंडेंस मेडल है। ये बीच में आप देख सकते हैं अपर साइड पर चक्र है, व्हील लगा हुआ है, उसके ऊपर इंपीरियल क्राउन है और ये जो एज पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लेजेंड है, इस पे लिखा हुआ है जॉर्जियस 6 DG ब्रिट OMN रेक्स फिड DEF। इसका मतलब है जॉर्ज 6 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन डिफेंडर ऑफ द फेथ। रिवर्स साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल एम्बलम अशोक का लायंस है, ये प्लेन बेस पर कैपिटल में इंडियन इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है। 15 अगस्त 1947 नीचे की तरफ ये कॉपर निकल का बना हुआ है और 36 mm का डायमीटर है और ये जिसको ये मेडल जिसको मिला उनके डिटेल्स ये एज पर लिखे हुए होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। आपको ये मेडल देखकर मन में ख्याल आया होगा कि इसके ऑब्वर्स पर ये इंपीरियल क्राउन और जॉर्ज 6 का नाम क्या कर रहा है, जबकि ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल है। तो बात ऐसी है कि भले हमें इंडिपेंडेंस
अगस्त 1947 को मिला, लेकिन आगे के 29 महीने 26 जनवरी 1950 तक इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा और ये मेडल जॉर्ज सिक्स द लास्ट एम्परर ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 1949 को इंस्टीट्यूट किया इंडियन इंडिपेंडेंस को कमोमरेट करने के लिए। और दोस्तों ये मेडल पाने के जो हकदार है उनका क्राइटेरिया का लिस्ट है जो वो मैंने अगले क्लिप में दिया हुआ है। जय हिंद।